उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 6 जनवरी से 18 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि योगी सरकार 2023 के माघ मेले को जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। इस मेले का आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर किया जा रहा है। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट बनाए गए हैं। कल्पवासियों को रहने और पीने के लिए शुद्ध और निर्मल जल की व्यवस्था भी की गई है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 2800 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 200 बसें रिजर्व रहेंगी। आपको बता दें, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए क्षेत्रवार बसों का आवंटन किया गया है। इसके लिए 10 शहरों का चयन किया गया। 20 जनवरी से 27 जनवरी तक बसों के संचालन पर मुख्य फोकस। प्रयागराज के निकटवर्ती तीर्थ स्थलों के लिए भी 80 बसों का इंतजाम किया जाएगा। 20 जनवरी से 27 जनवरी तक संचालन पर मुख्य फोकस रहेगा। बस अड्डे और तहसील से डायरेक्ट माघ मेले के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के MD संजय कुमार के मुताबिक माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बसों का इंतजाम कर लिया गया है। आपको बता दें कि 6 जनवरी, 14 और 15 जनवरी, 21 जनवरी, 26 जनवरी, फरवरी महीने की पूर्णिमा 18 फरवरी को लखनऊ से 300, कानपुर से 260, अयोध्या से 220, गोरखपुर से 380, आजमगढ़ से 360, बनारस से 300, प्रयागराज से 550, झांसी से 50 और देवीपाटन से करीब 150 बसें सीधा चलाई जाएंगी। माघ मेले के लिए रेलवे ने भी खास तैयारी की है। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं से लैस 4 यात्री आश्रय बनाए गए हैं। प्रत्येक आश्रय में लगभग 2500 लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर लगभग 10,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ आश्रम में पूछताछ काउंटर, अनारक्षित टिकट काउंटर, ट्रेन टाइमिंग डिस्प्ले बोर्ड और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा में प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल और GRP के जवान भी तैनात किए जाएंगे। मेला अधिकारी के मुताबिक CM योगी ने 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर माघ मेले को पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके चलते पूरी तरह से पॉलिथिन फ्री माघ मेला कराया जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र में 10 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर तैनात कर्मचारी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों को गाइड करेंगे। मेला क्षेत्र के आसपास बिल्डिंग पर लाइटिंग भी कराई गई है, ताकि रात के वक्त श्रद्धालु भव्य नजारा देख सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।